आपने अक्सर देखा होगा, जब भी किसी मैग्नेटिक कंपास के पास कोई मैग्नेट लाई जाती है तो उसमें डिफ्लेक्शन होता है। लेकिन क्या होगा अगर हम किसी सेल को एक कंपास के पास लाएं तो? देखो, सेल में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, लेकिन आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पर डिफ्लेक्शन हो रहा है। अब आपको ये बताना है कि इसमें डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है। जनरली हमें ये तो पता होता है कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, लेकिन यहाँ तो इसमें कोई वायर नहीं है, कोई करंट भी नहीं होगा, तो फिर इसमें ऐसा डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है?